गाइस अगर आप लोग एक ब्लॉगर हो तो भाई इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं, अगर आप लोग उनको फॉलो करोगे तो भाई आपका व्लॉग नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि भाई आप सिनेमेटिक कैसे लग सकते हो, और जैसे कि आप लोग व्लॉग कर रहे हो इस टाइप से, आप अपना फेस रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको सामने की चीज़ें दिखाना है तो वो कैसे कर सकते हो, वो भी अपने हैंड को मूव करके। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सब बताऊंगा कि आपको सिनेमेटिक कैसे लेना है, अपने ब्लॉग के थंबनेल को कैसे क्लिक करना है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल्स बताने वाला हूं, तो बने रहे वीडियो में एंड तक, वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजबल होने वाली है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप लोग अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हो तो भाई आपको एनर्जी के साथ स्टार्ट करना है, ये नहीं कि भाई हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग कुछ इस टाइप से, मस्त एनर्जी के साथ बोलना है कि हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, आज की इस वीडियो में हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ करके आपको लोगों को बताना है। ये नहीं कि भाई सैड सैड हैं और अपने मस्त व्लॉग को शूट करें, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना। पहली बात ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एनर्जी के साथ बोलना है, तो पहला पॉइंट तो ये होगा। तो भाई दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप अपने व्लॉग को शूट करते हो तो उसमें आपको अपना सिनेमेटिक सीन जरूर लगाना है। अब भाई आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई सूर्या भाई सिनेमेटिक क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा दूँ। जैसे कि यहाँ पर कोई चीज़ है मेरे सामने, यहाँ पर ऐसा देख सकते हो कि कोई फील्ड वगैरह है मेरे पीछे, तो जैसे कि यहाँ पर मैं व्लॉग शूट करने आया हूँ तो यहाँ का जो भी एरिया है उसकी मैं कुछ इस टाइप से वीडियो बनाऊँगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देखना। जैसे कि मेरे सामने इस टाइप का है तो इसको मैं कुछ इस टाइप से वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा, और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, और इसी को कहते हैं सिनेमेटिक। जैसे कि आप लोग कहीं पर घूमने गए तो अपनी तो साथ में बनाओगे, बट उसमें आपको कुछ बैक कैमरे से सिनेमेटिक्स लेना है आपको इस टाइप से। जैसे कि मेरा यहाँ पर कैमरा है और यहाँ पर मेरा मॉडल खड़ा है सामने, तो यहाँ से मैं अपनी वीडियो को प्ले करूँगा और कुछ इस टाइप से सिनेमेटिक ले लूँगा, एंड आपको कुछ इस टाइप से ले लेना है, इस टाइप से आपको ऐसे, इन्हीं को कहते हैं सिनेमेटिक्स। और भाई जो आपने यह सिनेमेटिक लिया है इनको एडिट करते समय इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देना है और कलर ग्रेडिंग कर देना है। और भाई अगर आप लोग इतना कर दोगे तो भाई आपका ब्लॉग बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो आपको अपने ब्लॉग में सिनेमेटिक सीन जरूर लगाना है, दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि भाई बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं कि भाई आप जब भी अपने ब्लॉग को शूट करते हो तो उसमें आप कैमरे को कैसे मूव करते हो, जैसे कि आप अपने फेस को दिखा रहे हो और सामने की चीज़ें एकदम से कैसे दिखा लेते हो। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग जब भी अपने व्लॉग को शूट करते हो तो आपको हमेशा बैक कैमरे से रिकॉर्ड करना है। अगर आपके मोबाइल के कैमरे में वाइड एंगल है तो उसको आपको हमेशा बैक कैमरे से अपने व्लॉग को शूट करना है। वो आपको पकड़ना कैसे है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको अपने कैमरे को प्ले कर लेना है, एंड कुछ इस टाइप से आप लोगों को पकड़ना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग, तो आज मैं आया था यहाँ वीडियो शूट करने, तो यहाँ पर हमारा कैमरा, तो आपको कुछ इस टाइप से मूव कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इस टाइप से मूव करोगे तो आपको एडिटिंग करते वक्त रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग यूं से रिकॉर्ड करो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग, और इधर साइड में है मेरा कैमरा, तो अगर आप लोग इस टाइप से मूव करोगे तो आपको एडिटिंग करते वक्त कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपल चीज़ ये हो गई, आप इस टाइप से व्लॉग शूट करे हो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग, एंड इस टाइप से आपको मूव कर देना, ये लगा मेरा कैमरा और यहाँ पर मैं आके अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर ये व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को एक लाइक कर देना, एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तो भाई ये हमारा लगा कैमरा, आप लोग देख सकते हो, एंड आपको कुछ इस टाइप से अपने व्लॉग को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि आपको अपने कैमरे को कैसे रोटेट करना है, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को व्लॉग शूट करना तो बता दिया। तो अगर आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो भाई आपका व्लॉग नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि आपको अपने व्लॉग का थंबनेल कैसे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले अगर आपके मोबाइल में वाइट एंगल है तो आपको अपने व्लॉग के थंबनेल को हमेशा वाइट एंगल कैमरे से खींचना है, क्योंकि भाई जो वाइट एंगल कैमरे की क्वालिटी होती है वो नेक्स्ट लेवल का कर देता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने दो पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसमें कि एक नॉर्मल कैमरे की फ़ोटो है और एक वाइट एंगल कैमरे की फ़ोटो है। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस कैमरे की क्वालिटी अच्छी लग रही है आप लोगों को। जो वाइट एंगल वाली फ़ोटो है वो देखने में कुछ बड़ा सा लग रहा है, तो जैसे कि अगर आप लोग वाइट एंगल से अपने थंबनेल को खींचोगे तो भाई वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग सबसे पहले हमेशा अपने थंबनेल को वाइट एंगल से खींचना,
और अगर आप लोगों के पास वाइड एंगल नहीं है तो आपको थोड़ा सा दूर जाना है और दूर से आपको अपने थंबनेल को क्लिक करना है ताकि जो आपके बैकग्राउंड में चीज है वो बिल्कुल क्लियर पूरी प्रॉपर दिखे। तो ये आप लोगों को करना है। और आप लोग जब भी अपने थंबनेल को क्लिक करते हो तो वहां पर आपको थंबनेल क्लिक करना है जहां पर आपका व्लॉग इंटरेस्टिंग पार्ट हो। जैसे कि लाइक अगर ताजमहल आप घूमने गए हो तो वहां पर आपको ताजमहल जाकर थंबनेल क्लिक करना है, ना कि घर में क्लिक करना कि आई एम गोइंग टू ताजमहल। तो अगर आप लोग ऐसे थंबनेल अपनी वीडियो में लगाओगे, आपने घर में क्लिक किया और उसको आप अपने वीडियो में थंबनेल लगाओगे तो भाई उस पर व्यूज कम आएगा। लेकिन अगर आप लोग ताजमहल घूमने गए हो तो वहां पर आपको ताजमहल जाकर थंबनेल क्लिक करना है और वहां का आपको अपने थंबनेल लगाना है। और यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सिनेमैटिक आपको अपने व्लॉग में लगाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने व्लॉग को पूरा सा एडिट कर लेना है और एडिट करने के बाद आपके व्लॉग के जो भी इंटरेस्टिंग पार्ट हैं उन पार्ट को आपको थोड़ा थोड़ा सा करके आपको अपने व्लॉग के सबसे आगे लगा देना है। तो अगर आप लोग ऐसा करोगे तो भाई आपके व्लॉग वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर आपको सिनेमैटिक बीच में कहाँ पर लगाना है, तो जैसे कि आपको कहाँ पर लगाना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने आ चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं एक सिनेमैटिक लूंगा और इस बात को करने के बाद मैं सिनेमैटिक लगा दूंगा और उसके बाद मैं अगली बात करूंगा। तो आपको इस टाइप से अपनी वीडियो में सिनेमैटिक लगाना है। और आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सारा प्रोसेस बता दिया है कि आपको अपने ब्लॉग को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे कैमरा रोटेट करना है और कैसे थंबनेल क्लिक करना है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अब मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।